हेलो गाइस गाइस वेलकम बैक माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल सो आज हम करने वाले हैं पोइटिक डिवाइसेस तो बेसिकली पोइटिक डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका लिटरेचर का क्योंकि जो आपके पोएम के क्वेश्चंस आते हैं लिटरेचर में उसमें पोइटिक डिवाइसेस का क्वेश्चन कंफर्म है तो आपकी लिटरेचर सेक्शन में टू थ्री मार्क्स आपको आराम से पोएट्रिक डिवाइसेस की हेल्प से आ सकते हैं कि so कि आप इसको अच्छे से से करो, जिससे कि आपके वो वो जो हैं, वो delete नहीं होने चाहिए, ठीक है? So मैं आज आपको five, uh, types of poetic device पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में दैट इज सिमिली मेटाफर एलिट्रेशन एजुनेस एंड हाइपरबोल ठीक है तो शुरू करते हैं सबसे पहले गाइज पोइट्रिक डिवाइसेस क्या होते हैं पोएट कैन यूज़ टू करिएट रिदम एन्हांस अ पोएम्स मीनिंग और इंटेंसीफाई अ मूड और फीलिंग तो बेसिकली पोएटिक डिवाइस वो टूल्स हैं जो पोएट यूज़ करता है तो बेसिकली पोएम को beautify करने के लिए पोएम को अच्छा बनाने के लिए पोएम का जो मीनिंग है उसको और ज़्यादा एनहांस करने के लिए ठीक है और एक मूड और फीलिंग क्रिएट करने के लिए पोएटिक डिवाइस यूज़ किए जाते हैं तो शुरू करते हैं गाइज सबसे पहले हम सिमिली से स्टार्ट करते हैं तो सिमिली पहचानने का बहुत ईजी तरीका है जब भी आपको पोएम के सेंटेंस में एज या लाइक दिख रहा है तो बेसिकली सिमिली क्या होता है जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों का जो आपस में काफ़ी अनलाइक हैं डिफरेंट चीज़ें है, बट स्टिल उन दोनों का डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है यूजिंग द वर्ड एज और लाइक तो सिमिली पहचानने का सबसे ईजी तरीका है एज और लाइक देख लो आपको सिमिली समझ आ जाएगा लाइक ही इज एज स्ट्रांग एज एन ऑक्स सो देखो यहाँ पे एज़ यूज़ हुआ है तो ही मतलब बॉय को कम्पेयर किया गया ऑक्स के साथ डायरेक्टली कंपेयर किया गया यूजिंग द वर्ड एज सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल आपसे मिली सेकेंड वी है वॉचिंग द शो वॉज लाइक वॉचिंग अ ग्रास ग्रो तो मतलब कहने का मतलब है कि शो इतना बोरिंग था या शो इतना ज़्यादा स्लो था ठीक है कि वॉचिंग द शो शो को कंपेयर किया गया है ग्रास के साथ डायरेक्टली कंपेयर किया गया है यूजिंग द वर्ड लाइक तो जहां पे भी आपको एज और लाइक दिख जाए आप इजीली उसको पहचान के लिख सकते हो कि वो सिमिली है नेक्स्ट आ गया हमारा मेटाफर मेटाफर में भी कंपैरिजन करते हैं बट इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं मतलब मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है बट एज और लाइक यूज नहीं होता है देखो सिमिली में भी कंपैरिजन है बट एज और लाइक यूज़ हो रहा है मेटाफर में कंपैरिजन है बट एज और लाइक नहीं है एग्जांपल देखते हैं ही इज अ शाइनिंग स्टार सो ये जो बॉय है उसको स्टार के साथ कंपेयर किया है बट एज ओ लाइक यूज़ नहीं हुआ है सो so ये मेटाफर है द काम लेक वॉज अ मिरर अब देखो वैसे लेक और मिरर में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं सिमिलैरिटी एक बहुत छोटी सी है कि दोनों में हम अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं तो इसीलिए काम लेक को इनडायरेक्टली मिरर से कंपेयर किया गया इनडायरेक्टली क्यों क्योंकि यहाँ कहीं एज ओर लाइक यूज़ नहीं हुआ है सो so, काम लेक को कंपेयर किया गया मिरर से विदाउट यूजिंग एज ओर लाइक सो इट इज मेटाफर तो सिमिली और मेटाफर में यही डिफरेंस है कि सिमिली में भी कंपेरिजन है मेटाफर में भी कंपेरिजन है बट मेटाफर में एज और लाइक नहीं यूज़ होता है नेक्स्ट गाइज वी हैव एलिट्रेशन ये बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में एलिट्रेशन क्या होता है वर्ड्स की बिगनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है कॉन्सोनेंट साउंड मतलब ए ई आई ओ यू की साउंड छोड़ के वॉवल्स की साउंड छोड़ के बाकी जितनी भी साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है वर्ड्स की बिगनिंग में बार बार रिपीट होती है फॉर एग्जाम्पल पीटर पैटेड द पोनी तो अगर आप देखोगे पीटर में पी साउंड पैटेड में पी साउंड पोनी में पी साउंड तो पी साउंड जो है वो एक कॉन्सनेंट साउंड है जो बार बार वर्ड की बिगनिंग में रिपीट हो रही है सो दिस इज एलिट्रेशन अ नंबर ऑफ क्राफ्टी क्रिमसम कैट्स कडल्ड ऑन द कवर्ड पोच तो आप देखो तभी पोएम अच्छी लगती है पढ़ने में जब उसमें इस तरह के पोएट्री डिवाइस यूज़ होते हैं तो बार बार सी की जो साउंड है क्राफ्टी में क्रिम्सम में कैट्स में कडल्ड में कवर्ड में तो ये बार बार रिपीट हो रही है हमारी कॉन्सनेंट साउंड वर्ड्स की बिगनिंग में दैट इज एलिट्रेशन

फीचर uh, है ये मतलब अगर आप रात को भी पढ़ाई कर रहे हो और आपको कोई डाउट आ जाता है मैथ्स और साइंस में तो अब आपकी पढ़ाई बीच में नहीं रुकेगी आपको सिंपली आपका जो डाउट है वो अपलोड करना पड़ेगा और आपको गाइज मिल जाएगा वीडियो सोल्यूशन विद इन फ्यू मिनट्स और कभी कभी आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स में भी वीडियो सोल्यूशन मिल सकता है ठीक है सो अब आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रहेगी जब भी आपको कोई डाउट है तो आप ये वाला फीचर यूज कर सकते हो मैंने हर ग्रेड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ तो आप जिस भी ग्रेड में हो लिंक को क्लिक करो फीचर को यूज करो ओनली यू रिक्वायर वन अनलॉक कोड फीचर टोटली फ्री है सिर्फ आपको वहां पे एक अनलॉक कोड पुट करना पड़ेगा सो दिस इज माय अनलॉक कोड एच एस वन नाइन ये पुट कर देना और आज का डाउट को यूज करो मैं आपको एक छोटा सा डेमो करके बता देता हूं कि कैसे आपको ये फीचर यूज करना है सो गाइस देखिए सबसे पहले हम अन लर्निंग ऐप खोलेंगे तो अगर आपके पास अन लर्निंग ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ अन अकेडमी लर्निंग ऐप अब आप टॉप लेफ्ट पे देखिए सी बी एस ई क्लास नाइन्थ लिखा है तो इसी तरह से जब आप साइन अप करेंगे ऐप पर तो आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जाना है आस्कर डाउट ओके सो आप आस्कर डाउट पे जाएंगे अब सबसे नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है सबमिट योर डाउट मैंने ऑलरेडी पहले भी डाउट पूछा हुआ है ठीक है मैं दोबारा से डाउट पूछ रहा हूँ तो सबमिट योर डाउट में मैं चूज़ करूँगा चूज फ्रॉम गैलरी क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन की जो फोटो है ठीक है अपनी गैलरी में रखी है तो अब मैं गैलरी को सेलेक्ट करूंगा और ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा अगर आपकी पूरी असाइनमेंट होगी तो आप उसी को सेलेक्ट कर लेना और उस पर एक क्वेश्चन क्रॉप कर लेना तो ये हमारा क्वेश्चन है जो मैंने क्रॉप कर लिया है अब मैं यहाँ पे टिक करूंगा इसको ठीक है अब देखिए ये क्वेश्चन मेरा अपलोड हो रहा है ओके सो अब मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट चूज़ करना है तो ये मैंने चूज कर लिया साइंस कि ये जो मेरा सब्जेक्ट है साइंस है ठीक है, है, so, अब देखो ये रहा है। और देखिए विद इन सेकेंड इसका सोल्यूशन मिल गया क्लिक और अब अब मैं क्लिक व्यू और ये एजुकेटर आ गए ये हमें वीडियो सोल्यूशन देने वाले हैं।

ठीक है तो जब वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है तो सारे डाउट्स कितने जल्दी आसानी से क्लियर हो जाते हैं तो यह फीचर आप भी बहुत यूज कर सकते हो और अपनी स्टडीज को सुपर डुपर इजी बना सकते हो होते okay, so हाइपरबोल तो हाइपर बोल पहचानने का एक ही बहुत अच्छा तरीका है जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बढ़ा चढ़ाकर बोलना किसी चीज को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर देना बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना दैट इज हाइपर बोल चलो एग्जाम्पल देखते हैं His इज गोइंग टू लास्ट फॉर एवर फॉर एवर का मतलब है जो कभी खत्म ही ना हो तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे हो किसी का होमवर्क खत्म ही नहीं हो रहा है या किसी का होमवर्क बहुत लेंदी है तो ऑब्वियसली होमवर्क इतना बड़ा तो नहीं होगा कि पूरी लाइफ टाइम चढ़ेगा तो ये जस्ट हमारे कहने का मतलब है कि उसका होमवर्क फॉर एवर तक चलने वाला है सेकंड ही इज थिनर देन स्टिक सपोज कोई इंसान बहुत पतला है तो आप उसको क्या बोलते हो तुम तो स्टिक से भी पतले हो तो अब अगर हम यहां पे देखें एक्चुअल में नो वन कैन बी हैं चीजों को हम बताना चाह रहे हैं कि तुम बहुत ज्यादा पतले हो तो हमने डिवाइस वी है लाइक एलिट्रेशन में हमने क्या देखा था कॉन्सोनेट साउंड वर्ड के बिगनिंग में रिपीट हो रही थी एजोनेंस में क्या है वॉवल साउंड रिपीट होती है नॉट नेसेसरली बिगनिंग में सेंटर में ज्यादातर सेंटर में जो है आपकी वॉवल फीट स्वीप बाय स्लीपिंग गीज़ तो आप देखोगे डबल ई की जो साउंड है वो बार बार रिपीट हो रही है और डबल ई आपका वॉवल साउंड है ई वॉवल है तो डबल ई बी वॉवल हो गया तो ये एजोनेंस आ गया इट्स हॉट एंड मोनोटोनस तो आप देखो कि ओ की साउंड हॉट में मोनोटोनस में भी दो तीन बार आपकी ओ की साउंड जो है रिपीट हुई है. So, ओ वोवल है तो इसको हम क्या कहते हैं एजोनेंस तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको पांच पोइटिक डिवाइसेस पढ़ा दिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा और फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइटिक डिवाइसेस पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो और अगर गाइस आप मुझे फॉलो करना चाहते हो सोशल मीडिया पे तो सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इंस्टाग्राम का और फेसबुक का भी सो थैंक यू गाइज हैव अ नाइस डे जल्दी से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ